टुडे आई विल डिस्कस अबाउट अ ग्लूटाथियोन एस्कॉर्बेट साइकिल। और ये साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम AYT के वाइटिंग स्ट्रेस पढ़ते हैं तो वहाँ पे क्या बनता है, हमारा फ्री रेडिकल्स एंड रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती हैं। तो वो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो होती हैं वो हमारे सेलुलर डैमेज करती हैं, जिससे सेल डेथ भी हो जाती है या सेनेसेंस भी होता है। सेनेसेंस कुछ ऑक्सीडेटिव जो स्ट्रेसेस होते हैं वो सेनेसेंस भी काज करते हैं, ठीक है, सेल डेथ होती है, हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स भी मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से मतलब जो हमारी प्लांट होता है वो स्ट्रेस कंडीशन में पहुंचता है तो वहाँ पे बहुत सारी फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक प्रोसेस जो होती हैं वो अल्टर हो जाती हैं, जिससे बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है प्लांट की कम्प्लीटली जो ईल्ड होती है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि जो हमारा फ्री रेडिकल्स या जो हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बोले तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज जो बनती हैं उनको कैसे हम डिटॉक्सिफाई करते हैं इन प्लांट्स, ठीक है। वैसे तो बहुत सारे पाथवे हैं, तो एक पाथवे यहाँ पे हम देखेंगे ग्लूटाथियोन एस्कॉर्बेट पाथवे, ठीक है। तो कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बोलें कुछ नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। तो नॉन एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट को बोले तो हमारा ग्लूटाथियोन हो गया, कैरोटेनॉइड्स हो गए, ठीक है, विटामिन ई हो गया, टेकोफेरॉल बोलते हैं जिसका केमिकल नेम टेकोफेरॉल है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन हो गया और हमने एस्कॉर्बेट विटामिन सी, ठीक है। तो ये हमारे नॉन एंजाइमेटिक हैं। अगर हम वही बात करें एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स बोले तो एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट में हमारा एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज हो गया, ठीक है। SOD बोले तो सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम होता है, वो भी एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है। इसके बाद बोले तो परऑक्सीडीन हो गया, परऑक्सीडीन के बाद अगर बोलें तो कैटालेज हो गया जो हमारा परऑक्सीसोम में पाया जाता है। ऐसे डिफरेंट टाइप के ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज हो गया, ये हमारे एंजाइमेटिक एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमारा जो ग्लूटाथियोन एस्कॉर्बेट साइकिल है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है और ये कैसे हमारा जो हमारे रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बनती है उनको कैसे डिटॉक्सिफाई करता है या उनको कैसे न्यूट्रलाइज करता है। तो हम देखेंगे कि इसे आल्सो नोन एज अ फायर हेलविल एस द पाथवे, ठीक है, इसे हम फायर हेलविल एस द पाथवे भी बोलते हैं, ठीक है। तो दिस इज मेनली डिटॉक्सिफाई द हाइड्रोजन परऑक्साइड इन प्लांट्स, ये मेनली हाइड्रोजन परऑक्साइड को डिटॉक्सिफाई करता है, लेकिन ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता है डिटॉक्सिफिकेशन में। इससे पहले क्या होता है, जैसे कि हमने तुमको बताया कि एंजाइमेटिक एक एंटीऑक्सीडेंट होता है SOD, SOD को डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल। जो हमारी मेटल होती है जैसे कॉपर मेटल हो गई, मैग्नीशियम मेटल हो गई और मैग्नीज मेटल हो गई और जैडन जिंक, ठीक है, उनके आधार पर SOD को डिवाइड भी किया गया है, ठीक है। तो वो हम बाद में बात करेंगे। तो SOD क्या होता है, जो हमारी जैसे सिंगलेट या सुपर ऑक्साइड बनते हैं उनको वो पहले क्या करता है, उनको वो पहले हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। जब हाइड्रोजन परऑक्साइड में कन्वर्ट करता है तो हमारी फिर स्टार्ट होती है ग्लूटाथियोन एस्कॉर्बेट साइकिल। इसमें क्या होता है, हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड बना और इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम APX बोले तो एस्कॉर्बेट परऑक्सीडेज, इसकी प्रेजेंस में यह H2O में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे ये एस्कॉर्बेट को सबस्ट्रेट के रूप में लेता है और फिर जब एस्कॉर्बेट को सबस्ट्रेट के रूप में लेता है और H2O2 होता है यहाँ पे, तो ये APX इसे वाटर में कन्वर्ट कर देता है और इधर MDHA बन जाता है। MDHA क्या है, मोनो डाइहाइड्रो एस्कॉर्बेट, इसका फुल फॉर्म है मोनो डाइहाइड्रो एस्कॉर्बेट, ठीक है। अब ये फिर से हमें क्या चाहिए, एस्कॉर्बेट फिर से हमें चाहिए, तो क्या होता है, एंजाइम होता है मदार, इसकी फुल फॉर्म क्या है, मोनो डाइहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज। तो ये क्या करता है, इसे रिड्यूस कर देता है और एस्कॉर्बेट बना देता है। जैसे ही MDHA इन द प्रेजेंस ऑफ मदार एंजाइम की प्रेजेंस में एस्कॉर्बेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन आगे ये MDHA DHA में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब डाइहाइड्रो एस्कॉर्बेट, मोनो यहां से हट जाता है, ठीक है। अब यहां पे देखो एक हमारी रिड्यूसिंग पावर भी लगी है, NADPH इज कन्वर्टेड इनटू NADPH पॉजिटिव, तो यहां पे एक रिड्यूसिंग पावर भी यहां पे लगी है एस्कॉर्बेट में कन्वर्ट होने में। अब ये जब DHA में कन्वर्ट हो जाता है, DHA बोले तो डाइहाइड्रो एस्कॉर्बेट, यहाँ पे अब एक एंजाइम और होता है धार, जैसे हमने बोला मदार, यहाँ पे मदार ही होगा धार, धार की फुल फॉर्म क्या हो गई, डाइहाइड्रो एस्कॉर्बेट रिडक्टेज। अब ये क्या होता है, ये एंजाइम जो है
फिर से इसे क्या करता है, एस्कॉर्बेट में कन्वर्ट करता है। लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ द जो हमारा रिड्यूस ग्लूटाथियोन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये ऑक्सीडाइज ग्लूटाथियोन क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ जीआर बोले तो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज, इसके प्रेजेंस में फिर से हमारा रिड्यूस ग्लूटाथियोन, ये हमारा कैसा है, ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन, ग्लूटाथियोन, और ये हमारा कैसा है, रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन। ये हमारा रिड्यूस्ड ग्लूटाथियोन है, ये ऑक्सीडाइज्ड ग्लूटाथियोन है। इन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड एंजाइम ये हमारा ऑक्सीडाइज जो रिड्यूस ग्लूटाथियोन होता है वो हमारा ऑक्सीडाइज में कन्वर्ट हो जाता है, फिर एंजाइम ग्लूटाथियोन रिडक्टेज करता है। और यहाँ पे एक हमारी रिड्यूसिंग पावर फिर लगती है एनएडीपीएच में कन्वर्ट हो जाता है और ये फिर से हमारे रिड्यूस ग्लूटाथियोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे ये साइकिल जो होती है ये इन्वॉल्व होती है किसमें, ये हमारी इन्वॉल्व होती है, ये हमारी इन्वॉल्व होती है हाइड्रोजन परऑक्साइड जो हमारी फ्री रेडिकल होता है उसको हमारा डिटॉक्सिफाई करने में इन्वॉल्व होती है और उसे इसमें कन्वर्ट कर देती है, H2O में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, तो ये हमारी हुई ग्लूटाथियोन एस्कॉर्बेट साइकिल। इसके बारे में मैंने बताया कि कैसे हमारे फ्री रेडिकल्स बनते हैं और कैसे फ्री रेडिकल्स जब बनते हैं तो ये कैसे पार्टिसिपेट करती है इसमें। ठीक है, तो प्लीज इस तरह की इंफॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। थैंक यू फ्रेंड्स।